हेलो स्टूडेंट्स, हर कोई की चाहत होती है कि हमारी राइटिंग अच्छी हो। और क्या होता है ना कि राइटिंग किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के लिए एक माध्यम है कि राइटिंग देखकर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। तो इसलिए हम लोग चलिए हिंदी का थोड़ा सुलेख लिखते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं मिलकर कि हिंदी को थोड़ी अच्छी तरीके से लिख सकें। और उसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में एक दूसरे के साथ सीखेंगे, साझा करेंगे। तो हिंदी की सुलेख अच्छी हो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अ से लेके अह तक ये जो अक्षर हैं इनका अभ्यास करेंगे। और हर अक्षर की बनावट अगर सही तरीके से होगी तो निश्चित रूप से सबकी राइटिंग अच्छी होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो चार लाइन वाली इंग्लिश की कॉपी होती है वो एक रख लें, पेंसिल रख लें, एक इरेजर रख लें। और लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये एक दो तीन चार, चार लाइन है और ये ऊपर वाली तीन लाइन का हमको यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसका मिड पॉइंट यानी बीच कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसी का हम लोग को उपयोग करना है, इसी जो ये लाइन है इनका उपयोग करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अ लिखना, पहले देखिए टी लिखने तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं ये टी। अब टी में टी लिखना है। अब यहाँ क्या करना है कि एक गोल आकार, एक गोला बनाना है छोटा सा, इस घर से थोड़ी छोटी, हाँ, और एक गोला जो बनेगा कर्व ये इससे थोड़ा बड़ा बनेगा और ये लाइन को इससे थोड़ा ऊपर तक लाएंगे। फिर ये सीधी लकीर खींचेंगे और ये यहाँ से नहीं मिलाएंगे इसको, यहाँ ये नीचे से लाइन के ऊपर लाइन मिलाएंगे और ये बन गया अ। ध्यान देना है कि ये अ जो है ये जो लकीर है ऊपर वाली लकीर इसमें टच नहीं करें, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग, एक गोला ऐसा कर्व उल्टा सी लिखना है, पर ये लाइन से थोड़ा पीछे रहेगा और दूसरा वाला गोला इससे लेकर नीचे लाइन को, तो ऐसे ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा और इसको ये लाइन के ऊपर तक लाएंगे और ये सीधी लकीर और लाइन के ऊपर ये लाइन मिलाएंगे और ये देखिए अ हो गया। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, ये यहाँ से छोटा सा कर्व उल्टा सी लिखेंगे, फिर एक इससे यहाँ पे जब लेंगे, यहाँ से लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये नीचे वाला बड़ा होगा, ऐसा ये लाइन से टच करके इसको ऊपर करेंगे, ये इस ये जो इसका जो चोंच है इसके थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इससे सीधी लकीर, और कभी बिल्कुल यहाँ से लाइन नहीं डालेंगे, यहाँ से लाइन डालेंगे, देखिए ये अक्षर ये हो गया, ठीक है। और इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम सबों की राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अब इसका अगला देखते हैं आ, फिर से वैसा ही एक छोटा उल्टा सी लिखिए, एक इससे बड़ा, ये नीचे टच करेंगे लाइन को और ये ऊपर, बगल में एक लकीर खींचेंगे सीधी, इसको मिलाएंगे इसे और ये लकीर देंगे, क्या बन गया ये आ, देखिए। फिर से प्रयास करते हैं हम लोग, एक कर्व उल्टा सी, फिर एक सी लिखेंगे उल्टा, यहाँ तक लाएंगे इसको खींच के, एक सीधी लकीर इसको जोड़ेंगे, फिर एक लकीर, क्या बन गया ये आ। फिर से देखिए हम लोग, फिर एक बार अपने प्रयास करते हैं, एक ये कर्व ये ऐसे ये ऊपर लाएंगे यहाँ तक, पूरा ऊपर नहीं सटाएंगे यहीं तक लाएंगे, फिर एक सीधी लकीर ऐसे जोड़ेंगे और ये ऐसे, ठीक है। इससे सुंदरता अच्छी आती है। कभी कभी हम लोग क्या करते थे, अभी ऐसे लिखते हैं हम लोग अ को, ऐसे 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 मिलाते हैं, ये देखिए दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये देखिए है ना, निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। तो जब अक्षरों की बनावट सही होगी, गोलाकार होगी, अच्छे उसके जो उसका जो फिक्स आकृति है वैसा होगा, तो निश्चित रूप से हमारे जो हैंडराइटिंग्स हैं, हमारी हैंडराइटिंग है, हिंदी की लिखावट है, वो अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे ऐसा,
जब भी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। फिर से एक बार हम लोग प्रयास करते हैं, एक उल्टा सी लिखेंगे ऐसा, ये लाइन से पहले इसको राउंड करेंगे क्योंकि छोटा बनाना है, तो ये लाइन से पहले राउंड कर दिए इसको, और फिर इसको ऐसे करके ऐसे, ये कर्व का जो ये मिडिल ये पॉइंट था इसके सामने से इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ से एक बगल से एक लाइन, और इसको ये मिलाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ नहीं मिलाएंगे, और यहाँ पर एक इसका आगे ये हो गया आ। देखिए अच्छा लगा ना, तो बिल्कुल हमें सब लोगों को ऐसे ही लिखना है, और हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक एक अक्षर का प्रयास करना है। अगर आप चाहें तो एक ही अक्षर को पूरा एक पेज में लिखिए, क्योंकि कोई भी काम को ना धीरे धीरे सीखेंगे तो ज़्यादा, अब सोचेंगे एक ही बार में हम सारे अक्षर को सीख लेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ई लिखना है क्या, तो ई कैसे लिखना है, पहले एक छोटा सा लाइन देंगे ऐसा, और इसको ये बाईं ओर, बाईं ओर जितना लाएंगे उतना ही सुंदर बनेगा, ये ऐसे बायां लाना है, फिर ये लाइन के ऊपर ले जाना है, फिर ये लाइन के यहाँ पे घुमाना है ऐसे, ये लाइन में लाना है, इसको बांधना है ऐसे, ये बन गया ई। फिर से करते हैं, ये देखिए ऐसे इसको राउंड करना, पीछे पीछे लाना है ऐसे, ठीक है, इसको फिर वापस लाइन पे ले जाना है, और यहाँ से ऐसे ऐसे है ना। फिर से देखिए यहाँ पे एक छोटी लकीर सीधी, और ये राउंड करके ऐसा राउंड करना है कि ये जो राउंड वापस जब आएंगे तो लाइन पर आएंगे, और इसी लकीर के जहाँ सामने से घुमाएंगे ऐसे और ऐसे, या ये हो गया, ठीक है। फिर दोबारा देखते हैं, यहाँ पे ऐसे ये पीछे जाना है बाईं ओर, फिर वापस ये लाइन में आना है, और ऐसे ये लकीर पे आना है ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेटर ई, और कभी हम क्या होता है, अभी कैसे लिखते हैं ऐसे करके ऐसे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। चलिए इसी में सेम इसे जैसा हो जाएगा, इसी के जैसा बिल्कुल ऐसे ऐसे, और ये बिल्कुल यहाँ पे सी बनाना है ऐसे, ठीक है। फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, इसे बाईं ओर आना है, फिर वापस जाना है, फिर इधर आना है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे सी लिखना है बिल्कुल आराम से, खाली ऐसे नहीं कर देना है। चलिए और फिर देखते हैं दोबारा, एक सीधी लकीर छोटी सी, फिर इधर लाइए बाईं ओर, फिर वापस जाइए, फिर लाइन से नीचे, फिर वापस मुड़िए, ये ठीक है, और एक छोटा सा सी लिखिए ऊपर में, यस। चलिए फिर एक बार ट्राई करते हैं, ये वापस बाईं ओर आया, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस घूमेंगे इधर, और ऐसे यहाँ पे सी लिखना है, ये हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से। अभी लॉकडाउन का पूरा समय का उपयोग हमें अपनी राइटिंग में, अपने संस्कार में, अपने आदतों में सुधार के में इसका उपयोग करना है, कोई भी समस्या को एक अवसर के रूप में लेना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ऊ ऊ, एक छोटा जैसे अ लिख रहे थे वैसा ही छोटा गोल, फिर एक बड़ा गोल, इसको ऊपर लाएंगे यहाँ, और इसको ऐसे लकीर, ठीक है। देखिए फिर से एक छोटा गोल, उल्टा उल्टा सी लिखेंगे, फिर एक उससे बड़ा, ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये ना लाइन के ऊपर ही राउंड होता है, तो ये इसके लिए ज़्यादा स्पेस बच जाता है। फिर से देखते हैं हम लोग, एक ये कर्व बना, उल्टा कर्व, उल्टा सी, और फिर ये ऐसे ऐसे ओ, फिर एक ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये इसको ऊपर लाना है यहाँ से ऊपर, तब ये सुंदर लगेगा देखने। देखिए ऐसे, अब उ, फिर वापस ऐसे गोल, फिर एक गोल गोल, इसको ऊपर लाइए, ये बना। अभी तक हम लोग कैसे लिखते थे, उ ऐसे लिखते थे हम लोग ऐसे, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है ये पा, देखिए यहाँ पे ये जो गड्ढा है ना, यहाँ पे यहाँ से नहीं इसका निकालेंगे पूंछ को, यहाँ से निकालेंगे इस लाइन के ऊपर से ऐसे, ठीक है। फिर से चलिए,
पहले एक उल्टा सी लिखते हैं, छोटा लाइन से छोटा रहेगा, ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा नीचे वाला। और ये लकीर जहाँ पे टच करें ना, ये इसका जो मिड पॉइंट है, ऐसे ठीक है। फिर से हम लोग देखते हैं, एक कर्व, एक ऐसे ऐसे, यहाँ से करेंगे ठीक है ना। फिर एक गोल, उल्टा गोल करेंगे, उल्टा सी लिखेंगे, लाइन से कोशिश करना लाइन से ऊपर रहें, और जब दोबारा ये दूसरा वाला ये बनेगा तो ऑटोमेटिक उससे ये बड़ा बनेगा, क्योंकि ये लाइन ये मिड पॉइंट है, इसका बीच है, तो बीच से ऊपर ये छोटा हो गया, तो ये तो ये बड़ा हो जाएगा, ऊपर छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से इसका ये टेल बना देंगे ठीक है ना, ये हो गया उ। अब री लिखना है, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें लाइन में हमको मिडिल पॉइंट खोजना नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये ऐसे, वेरी गुड। देखिए फिर से देखते हैं हम लोग, पहले टी लिखिए, यहाँ से ऐसे ठीक है, ये आ गया ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे ट, छोटा ट जैसे, ठीक से देखते हैं हम लोग, बिल्कुल एक ऐसा राउंड करना है, उसको ऐसे घुमा के यहाँ लाना है लकीर पे, ये बीच वाली लाइन पे, और इसको नीचे ले जाना है, और ये यहाँ पे ऐसे करके ट लिख देना है इसे। देखिए है ना कितना आसान। ठीक है, पहले टी लिखिए, पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे छोटा ट लिखेंगे यहाँ पे, बन गया री। तो ये हो गया से री तक का। अब ए के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, ए कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे पहले ग लिखना है, छोटा सा ग देखते हैं यहाँ पे, ऐसा।